हाय फ्रेंड्स, हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सौरभ गांधी बोल रहा हूँ पिवट ट्रेडिंग डॉट नेट से। अपने 100 डे कनेक्शन सीरीज़ का आज मैं पांचवा वीडियो लेके आया हूँ। बेसिक नॉलेज के लिए मैंने चैनल बनाया था, बेसिक नॉलेज के लिए मैं 100 डेज तक अलग अलग वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ। आज फिफ्थ डे है, आज का टॉपिक है थोड़ा अलग हटके, वो है डब्बा ट्रेडिंग। मुझे इस टॉपिक को मैंने इसको चूज़ किया क्योंकि काफ़ी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज लोगों के आ रहे थे कि डब्बा ट्रेडिंग होती क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअली अ डब्बा ट्रेडिंग। तो देखते हैं क्या होता है डब्बा ट्रेडिंग और ये वर्ड कहाँ से क्या है। तो डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे हमारा जो एक्सचेंज है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, जैसे NSE हो गया, BSE हो गया, MCX हो गया, ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक्सचेंजेस हैं जो इनको चलाने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडीज़ है, वो चेक करती है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है, बराबर लोगों का पैसा आ रहा है, जा रहा है, ऐसा सब चल रहा है। तो उसके लिए जैसे NSE के लिए SEBI है तो वो रेगुलेट करती है वो एक्सचेंज को। अब डब्बा ट्रेडिंग कैसा होता है कि जहाँ तक जो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है वो ये कि यहाँ पे कोई रेगुलेटर्स नहीं होते इसको मॉनिटर करने के लिए और ये कोई अप्रूव्ड एक्सचेंज नहीं होता। हालांकि चीज़ें तो लाइव मार्केट के हिसाब से ही चलती रहती है यहाँ पे भी। ये भी एक ऐसा ट्रेडिंग है विच इज़ नॉट एक्चुअली रेगुलेटेड बाय एक्सचेंज और एक्सचेंज रेगुलेटर्स। यहाँ पे कुछ प्राइवेट लोग इस टाइप की ट्रेडिंग चलाते हैं जिसके अंदर आप बाइंग, जिसके पास जाके आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपने बाय किया और आपने सेल किया, अगर आपको उसके अंदर प्रॉफिट हो गया तो आप जो डब्बा ट्रेडिंग चला रहा है आप उससे पैसा ले सकते हैं। अगर आपको नुकसान हो गया तो आपको उसको पैसा देना पड़ता है। और ये जो चीज़ होती है इसमें कुछ भी ट्रांजेक्शन नोट डाउन नहीं होते हैं, ये सारा चीज़ें जो होती है मोस्टली ये कैश मार्केट के अंदर होती है। तो उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो शायद ब्लैक मनी के अंदर काम करते हैं या जो जिनका मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जो होता है वो कैश के अंदर होता है। अब जब की नोटबंदी हुई थी तो इस बिज़नेस को काफ़ी अफेक्ट हुआ था, डब्बा ट्रेडिंग काफ़ी हद तक कम हो गई थी और शायद काफ़ी हद तक अफेक्ट हुआ था क्योंकि सारा कुछ कैश में हो रहा था। और जब डब्बा जब ये हुआ था डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी, तो उसके बाद में कुछ समय तक तो इसके अंदर ट्रांजेक्शन ही नहीं हो पा रहे थे या बहुत कम हो रहे थे, क्योंकि डेफिनेटली जब लोग अपने अपने कैश बचाने में लगे हुए थे तो कैश ट्रांजेक्शन होगा कैसे। तो डब्बा ट्रेडिंग बेसिकली वही होता है कि यहाँ पे कोई रेगुलेटर्स नहीं होते मॉनिटर करने के लिए आपके। हाँ, एक चीज़ और होती है इसके अंदर कोई चार्जेस टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट अब रेगुलेटेड नहीं होता है तो इसके अंदर कोई टैक्सेस पे नहीं करने होते हैं। सिर्फ जो डब्बा ट्रेडिंग चला रहा है वो शायद आपसे कुछ ब्रोकरेज चार्ज करता होगा, मे बी, आई डोंट नो। तो पर होता होगा कुछ तो ब्रोकरेज होता ही है, जहाँ तक मेरी किसी से बात हो रही थी जो करते हैं इस टाइप के डब्बा ट्रेडिंग में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ ब्रोकरेज चार्ज होता है पर लेकिन कोई टैक्सेस चार्ज नहीं होते। तो जनरली लोग डब्बा ट्रेडिंग में इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके टैक्सेस बचाने होते हैं, उन्हें टैक्सेस पे नहीं करने होते। क्योंकि जब आप एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो आपको STT लगता है, CTT लगता है, टर्नओवर चार्जेस लगता है, ये जब जो टैक्सेस वगैरह होते हैं ये सब लगते हैं। लेकिन डब्बा ट्रेडिंग का यही होता है कि उसमें कोई रेगुलेटर्स नहीं होते, कोई मॉनिटर नहीं होता, सब कुछ आपकी जबान पर काम हो रहा है। तो और उसमें ये भी होता है कि आपके पास आपको कुछ मार्जिन वगैरह रखना नहीं होता है, कुछ छोटा बहुत मिनिमम मार्जिन के अंदर काम हो जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है, कुछ लिक्रेटिव चीज़ें होती हैं जिस वजह से लोग उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। और इसके अंदर जो भी आप ऑर्डर्स डालते हैं वो जनरली एक नोटबुक में नोट होते हैं या किसी नॉर्मल प्राइवेट एप्लीकेशन के अंदर वो कैलकुलेट हो जाते हैं या नोट डाउन हो जाते हैं, वो ऑर्डर्स जो है एक्चुअल मार्केट तक नहीं जाते हैं। तो जो भी लोग डब्बा ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं उसका लिक्विडिटी जो भी होती है, जो भी वॉल्यूम, टर्नओवर, ट्रेडिंग लिक्विडिटी, ये कभी भी रियल मार्केट तक नहीं होती है। डब्बा ट्रेडिंग इज़ बेसिकली अ वर्चुअल ट्रेडिंग, लेकिन आप एक रियल मनी के साथ में ट्रेड कर रहे हो। आपने देखा होगा NSE इंडिया की वेबसाइट पे एक NSE पाठशाला करके होता है या और भी ऐसे बहुत से वर्चुअल ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपने ये बाय किया, ये सेल किया, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसा नहीं देना होता है, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन डब्बा ट्रेडिंग समवॉट वैसा ही होता है, वहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी आपके ऑर्डर्स जो एक्सचेंज तक नहीं जा रहे लेकिन आपको उसका पैसा देना पड़ता है और वो पैसा जो होता है जनरली कैश ट्रांजेक्शन ही होते हैं। तो ये बेसिकली होता है डब्बा ट्रेडिंग। आप अगर गूगल पे सर्च मारेंगे डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है तो आपको डिटेल, उसकी सारी डिटेल्स ही मिल जाएगी कि कैसे कैसे होता है, किस तरीके से होता है। और बस तो जनरली मैं जनरली प्रीफर नहीं करता लोगों को सजेस्ट करने के लिए कि डब्बा ट्रेडिंग करना चाहिए, अनलेस एंटिल आपको कैश में ट्रांजेक्शन करना है, कैश करना है, वो लोग करते हैं। लेकिन उसमें कोई रिस्क बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कुछ भी चीज़ नोटेड डाउन नहीं होती, आपके पास में कुछ भी चीज़ का प्रूफ नहीं होता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ डब्बा ट्रेडिंग, एक वर्चुअल ट्रेडिंग है, रियल ट्रेडिंग नहीं होती है बेसिकली, लेकिन रियल मनी के साथ में होती है। चलिए ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था,
क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है लोगों को पता नहीं था, तो मैंने सोचा बता दिया जाए डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है। चलिए थैंक यू, फिर डे 6 में मिलेंगे।